ज़ायरा वसीम ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके ऐलान किया था कि वो बॉलीवुड छोड़ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। उनके इस फैसले पर बॉलीवुड और टीवी सेलिब्रिटीज़ के भी लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। ऐसा ही एक रिएक्शन जमा हबीब का भी आया है। उन्होंने ज़ायरा के लिए एक फेसबुक पोस्ट लिखा है अच्छा खासा। जमा हबीब टीवी सीरियल के स्क्रिप्ट राइटर और शो प्रोड्यूसर हैं और सपना बाबुल का, विदाई, ससुराल गेंदा फूल, सास बिना ससुराल, एक हजारों में मेरी बहना है और निमकी मुखिया जैसे सीरियल्स वो लिख चुके हैं। फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। बताया जाता है कि उन्होंने हिंदी और बंगाली टीवी सीरियल्स के लिए 5000 से ज़्यादा एपिसोड लिखे हैं। अब ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, सीधा आपको वो पोस्ट पढ़ाएंगे जो जमा हबीब ने फेसबुक पर लिखा है। डियर ज़ायरा वसीम, तुसी जा रहे हो, तुसी जाओ, जहाँ जाना चाहती हो जाओ, जो करना चाहती हो करो, जहाँ रहो खुश रहो, अल्लाह तुम्हें खूब बरकत दे, ऐसी नेक राह पर चलाए जो सीधी जन्नत के दरवाजे पर खत्म हो, आमीन। लेकिन ये जो तुमने लंबी सी चिट्ठी लिखी है वो किसके लिए है? कुरान, सूरा और हदीस के जो हवाले दिए हैं वो किसके लिए हैं? कौन हैं वो जिन्हें तुम ये खत पढ़वाना चाहती हो? फरिश्ते पढ़ेंगे या फैंस? फैंस तो पहले ही भटके हुए लोग हैं, तभी तो फिल्में देखते हैं, फिर उनके लिए इतनी लंबी चिट्ठी क्यों? मोह भंग समझा जा सकता है, ये हमेशा निजी सुझाव होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले भी कई एक्टर्स ने अपने करियर के चरम पर इंडस्ट्री छोड़कर किसी और बिजनेस को चुना या रिटायर हो गए। कई एक्ट्रेसेस ने शादीशुदा जिंदगी के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो ये बुरी, बेहद बुरी दुनिया छोड़ने जा रही हैं। ये तुमने कहा और मुझे इसी से दिक्कत है। तुम क्या कहना चाहती हो? इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो सही रास्ते पर नहीं हैं? क्या वो पापी हैं? क्या वो नर्क में जाएंगे? अगर आपको ऐसा एहसास हुआ है तो भाड़ में जाए ऐसा एहसास। हम यहाँ दिन रात वो काम कर रहे हैं जिस पर हम यकीन करते हैं। हम कला को लेकर जुनूनी हैं। कला का हर रूप इंसान के आनंद, दुख, बैर, खुशी की अभिव्यक्ति है। हम अभिनय करते हैं लोगों को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि उनका मनोरंजन करने के लिए। हम सीन रिक्रिएट करते हैं, उल्लास और दुखों के लिए गाने बनाते हैं, संगीत से नफरत नहीं करते क्योंकि हमारी आत्मा में लय है, हमारे सांस लेने का तरीका लयबद्ध है। आप चुपचाप भी जा सकती थी, ऑफर हो रही फिल्मों को ना कह सकती थी, लेकिन ये लेटर, जैसे कि हम कोई गुनाह कर रहे हों। खैर, जिंदगी के लिए आपको शुभकामनाएं। आप सिरात उल मुस्तकीम की ओर बढ़ें जो स्वर्ग की तरफ जाती है, अल्लाह भला करे। लेकिन मेरी बात याद रखना, स्वर्ग में तुमको सब बोरिंग मुल्ला मिलेंगे, लेकिन हम गालिब, फैज, रफ़ी, मीना कुमारी, के आसिफ, मधुबाला की सोहबत में होंगे। फिर न कहना, थोड़ी देर के लिए आ सकती हूँ क्या? तो ये था जमा हबीब का वो खत। आपने ज़ायरा का लेटर भी पढ़ा ही होगा। खुद फैसला कर लीजिए कि किसकी बात में ज़्यादा दम है और आप किसकी साइड है। बाकी रवीना टंडन और तस्लीमा नसरीन जैसे सेलिब्रिटीज ज़ायरा के इस लेटर और फैसले की आलोचना कर रहे हैं, वहीं नगमा और सबा नकवी जैसे लोग उनके डिसीजन में उनके साथ हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।